हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये मैंने एक छोटा सा व्लॉग क्रिएट किया है आप सबके लिए। ये सिर्फ शोकेस करने के लिए है कि हमारी सोसाइटी में जो है गणपति उत्सव पूरा कैसे मनाया गया, क्योंकि बीच में मैं पूरे व्लॉग्स नहीं बनाए, पर मेरे पास ये ब्यूटीफुल क्लिप्स थी। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डांस रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्म करने वाले हैं पंडाल में। ये एट्रीब्यूट होगा गणपति जी के लिए, और गणपति जी तो हैं ही बेस्ट फ्रेंड नन्हे मुन्नों के। तो आइए और मेरे साथ ज्वाइन करिए ये दो दिन की जो है वीडियोज़, जो कि विसर्जन तक की मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पर चलिए मेरे साथ। ये अभी आपने देखी थी पिछले दिन की, और ये उससे अगले दिन जो है शाम को पंडाल में बच्चों ने जो रिहर्सल करी थी डांस की, उसकी परफॉर्मेंस है इनकी। तो यहाँ पे पंडाल में जो है रोज़ाना कोई ना कोई परफॉर्मेंस अपनी श्रद्धा समान, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें आज जो है बच्चों का परफॉर्मेंस है, तो एवरीवन इज़ सुपर एक्साइटेड कि इतनी प्यारी प्यारी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कितना प्यारा जो है वो प्रेजेंटेशन देने वाले। तो हम यहाँ ईगरली वेट कर रहे हैं। सभी मदर्स एंड फादर्स ऑल्सो ज्वाइन लेटर ऑन, बट फर्स्ट हम लेडीज़ यहाँ पे अभी भजन हो रहे हैं, आरती हो रही है, और ये सब जो है ये पीकू फ्रेंड्स एंड मी एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो वी ऑल आर इन्जॉइंग दिस डेकोरम, एंड दिस इज़ सो मेसमराइजिंग, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। चलिए इसके साथ ही डांस देखते हैं। वो सामने गणपति जी हमारे विराजित हैं, तो ऐसे हर रोज़ जो है उनकी स्तुति करी जाती है, और उनके लिए जो है वो हम अपने अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रसाद का वितरण भी सभी जो अपनी श्रद्धा समान करते हैं। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम अब जो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए डिस्कशन कर रहे थे, तो मोदक और लड्डू उससे बढ़िया तो प्रसाद हमें कोई लगा नहीं। और बाकी कोई भी आप प्रसाद श्रद्धापूर्वक और पूर्ण भक्ति के साथ चढ़ाइए, तो भगवान आपकी ये जो भी आप चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ावा देते हैं, जो भी प्रसाद देते हैं, भोग लगाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए।
आज यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रसाद का वितरण, केवल हम नहीं और भी कई लोग कर रहे हैं। तो जो जो कर सकते हैं सभी अपना अनुदान इसमें कर रहे हैं, सभी योगदान दे रहे हैं, तो हम भी पीछे नहीं रहे। तो अपने उत्सव में आगे बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम जो हैं अपने सोसाइटी के अंदर जो हैं वो एक मिलनसार वातावरण बना सके। और फाइनली वो दिन आ गया जब गणपति जी हमारे यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से उनकी विदाई का जो है वो उत्सव है। आज मैं यहाँ नहीं थी, पर मेरे पास फॉर्चुनेटली एक क्लिप मुझे मिल गई, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। आज उनका गणपति जी का जो है वो शीतल स्नान करवाया जाएगा। तो अभी अलग अलग जो हैं वो जगह पर गणपति उत्सव की अलग अलग तरीके से जो है वो साजो सज्जा हो रखी है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें यह मौका मिला। पिता महादेवा इस ब्लॉग का मैं यही अंत करती हूँ, इसी अभिलाषा इसी प्रार्थना के साथ कि गणपति जी हर बरस आए और हमारे मन में तो हमेशा से वो विराजित हैं, हमारे मंदिर में हैं, हमारे विचारों में हैं, और हमें वो शीतलता प्रदान करें कि हम इस विश्व को अच्छा बना सकें, आपस में मिलजुल के रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड गिव अ गुड कमेंट इफ़ यू लाइक इट सो मच। तो इसके साथ ही जो है गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।